खेल है, ग्रामीण खेल किस तरह से आज आप यहाँ आए, आपने भी कहा कि भारत प्राचीन परंपरा के खेल खेल कूद को बढ़ावा समाज को भी देना चाहिए, सरकारों को भी देना चाहिए और विशेष रूप से जो हमारे भारतीय खेल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक खेल हैं, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनके आयोजन में बहुत पैसा लगता है, लेकिन आप बैलगाड़ी प्रतिस्पर्धा कराओ तो बैलगाड़ी में जो रेस में भाग लेगा वो फ्री में ले आएगा और आपको मैदान में भी कुछ ठीक ठाक करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है और वो इनाम जीतेगा और चला जाएगा। ऐसे ही कबड्डी है, भारतीय खेल है, जगह चाहिए, खड़िया डालो, कबड्डी शुरू हो जाती है, कम पैसे में अधिक आनंद। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जिला पंचायत के सदस्य शिवराज सिंह यादव जी हैं, इन्होंने इस प्रकार के खेलों की एक श्रृंखला हर साल आयोजित करने का संकल्प किया है। मुझे पिछले बार भी कहा था तो मैं आ नहीं पाया, आज चूँकि मैं यहाँ था आरौन के क्षेत्र में तो फिर मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, नाल उठाने वालों से भी मिले, कुश्ती वालों से भी मिले, बैलगाड़ी दौड़ वालों से भी मिले, घुड़सवारों से भी मिले। ये बहुत अच्छा प्रयास है, इसको और बढ़ाना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर खेल को और आगे बढ़ाने का लगातार प्रयत्न कर रही हैं। मैं 98 में विधायक था तब मध्य प्रदेश की सरकार का स्पोर्ट्स का बजट 6 करोड़ रुपया था और आज 200 करोड़ है। ये मतलब सरकारों ने निरंतर जो वृद्धि की है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही 6 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक इंक्रीज किया है। आज खेलो इंडिया के माध्यम से भी आज पूरे देश में जो हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं उसी का परिणाम है कि ओलंपिक गेम्स हों या अन्य गेम्स हों, हर जगह जाकर हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं। मतदान लोकतंत्र में अत्यंत अनिवार्य है और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को अनुरोध करना चाहता हूं निर्भीक होकर मतदान करें।